नमस्कार, प्रणाम साथियों। आइए आज एक विशेष टॉपिक लेकर हाजिर हूँ और ये टॉपिक हर एक सिंगर को आना चाहिए, हर एक जो हारमोनियम बजाना चाह रहा है उसको आना चाहिए। अगर ये ज्ञान नहीं होगा तो हारमोनियम अच्छी तरह से नहीं बजा पाएगा। मेरे टॉपिक का मेन वो है, हर रीड से सारे गामा पाधा निशा कैसे बजाएं, हर रीड से सरगम का अभ्यास। तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ। ये मध्य सप्तक हमारा दोस्तों, हारमोनियम तो मेरे पास नहीं लेकिन आप हारमोनियम में कर लेना, आप कीबोर्ड में जैसे भी करना हो कर लेना। हारमोनियम में भी ये नहीं रहता है, यहाँ से आपका शुरू होगा एक सप्तक, ये होगा ये होगा, आप मिडिल में ही आकर करना ये दो, ये जहाँ पे आपको मिले यहीं पे आप कर लेना, है ना। करना ये है दोस्तों, टोटल स्वर हमारा 12 होता है, काउंट करें, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ जाके खत्म होगा। सारे नी के बाद ये आ जाता ये सा, है ना। ये हमारा हो गया मंद्र सप्तक, ये हो गया मध्य सप्तक, अब ये हो गया तार सप्तक। तो ये मध्य सप्तक सा से शुरू होता है, नी पे जाके खत्म हो जाता है, फिर सा ही आ जाता है। यहीं से यहाँ से भी यही हाल है, ये यहाँ से शुरू होगा, यहाँ आके खत्म हो जाएगा, फिर ये मध्य सप्तक का सा शुरू हो जाएगा, यहाँ से आएगा तो खत्म यहाँ पे हो जाएगा, फिर ये सा तार सप्तक का शुरू हो जाता है। अब हमारा ना इधर से बाजता है ना इधर से बाजता है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है दोस्त, बिल्कुल देसी भाषा में समझें और उसके बाद बजाएं। ज़्यादा अगर इधर उधर की बात सुनेंगे कि ये होता है ऐसा है वैसा, फिर उसमें समझ में नहीं आएगा, आपको कंफ्यूज हो जाएगा दिमाग। अब 7-12 कौन सा होता है, सा शुद्ध, 1-2-3-4-5, 1-2-3-4-5-6-7, ये शुद्ध स्वर होता है दोस्त। सा रे गामा पा धा नी, 1-2-3-4-5-6-7, ये 7 जो है शुद्ध स्वर है दोस्त। 4 कोमल स्वर होता है, सा शुद्ध सा कोमल रा, जो रा है शुद्ध रा, उससे पहले कोमल रा इसको बोला जाता है। शुद्ध रा के बाद शुद्ध गा ये है, और ये कोमल गा हो जाता है, फिर शुद्ध मा हो जाता है, ये शुद्ध मा, और इसको बोला जाता है तीव्र मा, ध्यान देना दोस्त, ये हो जाता है शुद्ध पा, और ये है शुद्ध धा। शुद्ध धा से पहले जो ये रहता है ये कोमल धा, इसको बोला जाता है कोमल धा। धा के बाद नी, शुद्ध नी, शुद्ध नी से पहले कोमल नी, है ना दोस्त। अब आप यहाँ पे देखिए, 7 ये सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 शुद्ध हो गया। एक जो आपको ये मैं बताया था, ये बंद हो गया, ये मैं बताया था कोमल, ये तीव्र मा। और 4 स्वर हो दो, मैंने कोमल रा, कोमल गा, कोमल धा और कोमल नी बताता, तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया दोस्त, 7 ये अपना 7 शुद्ध स्वर हो गया। एक हो गया जो तीव्र मा, और 4 हो गया दोस्तों ये कोमल रा, कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी। शुद्ध रा से पहले वाला जो आता है ये, शुद्ध रा से पहले ये कोमल गा, शुद्ध गा से जो पहले पीछे जो छिपा है ये कोमल गा, ये तीव्र मा है दोस्त। धा से पहले जो है ये शुद्ध कोमल धा, ये शुद्ध धा है तो ये फिर कोमल धा हो गया, ये नी है शुद्ध नी तो ये कोमल नी। मतलब टोटल आप देखें तो 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12, टोटल 12 होगा दोस्त। वीडियो थोड़ा लंबा होगा दोस्त, इसलिए आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये तो 12 आप बीच में अगर स्किप कर दिए दोस्त, फिर आपको अधूरी ज्ञान हो जाएगा, फिर आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए पूरा देखें। अब आप
बारह स्वर हो गया है ना दोस्त। बारह स्वर के बाद अब आते हैं, अब देखते होंगे कि यहीं से ज्यादातर बजाता है अधिकांश लोग जो यहीं से सा रे गा मा पा धा नी सा। लेकिन दोस्तों आपको अच्छा हारमोनियम बजाना है, अच्छा सिंगिंग करना है, हर स्केल से हर रीड से बजाना है सारे गामा, हर स्केल से आपको गाना निकालना है परफेक्ट ना गाना हर जगह से निकालने के लिए। जैसे मैं कई जगह से एक गाना को कई जगह से मैं निकाल लेता हूँ, तो उसके लिए ये जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही ज़रूरी है। अगर ये ज्ञान आपके पास नहीं रहेगा, हर रीड से आप नहीं निकाल पाएंगे तो नहीं हो। अब सूत्र क्या है दोस्त कि गा और माँ, गा और माँ के बीच आपको स्पेस देखते नहीं, सा रे गा मा, गा और माँ के बीच स्पेस नहीं है ना, सा से रा के बीच एक स्पेस है, ये कोमल रा हो जाता, सा से रा के बीच मैंने स्पेस दिया, रा से गा के बीच स्पेस दिया ये नहीं दबाया है ना, ये सरगम का सा रे गा मा पा धा नी सा का ज्ञान के लिए। अब गा से माँ के बीच स्पेस नहीं दिया, गौर करिएगा, गा से माँ के, माँ से फिर मैंने पा बजाया ये छोड़ दिया, पा से फिर धा बजा शुद्ध धा ये छोड़ दिया, धा के बाद ये छोड़ दिया, ना बजाया ये छोड़ दिया। अब नी और सा के बीच आपका जो है गैप नहीं रहेगा, गा और माँ के बीच गैप नहीं रहेगा, ध्यान देना तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आप सारे गामा कहीं से भी बजाएं, रीड टोटल 12 ही होना है, 12 होना है। और हर स्वर के बीच जैसे सा से रा के बीच आप एक गैप, एक बिना एक छोड़ दीजिए रीड को, जैसे सा रे ये छोड़ दिया, रे से गा ये छोड़ दिया, तो यही ट्रिक आपका चलेगा। लेकिन हर स्वर के हर रीड के बीच आपको एक गैप देना है, लेकिन गा और माँ और नी और सा के बीच गैप नहीं देना है, गा माँ के बीच गैप नहीं देना है, नी और सा के बीच गैप नहीं देना। बाकी ये ट्रिक अपना के रखना है, कहीं से भी कोई बोले तो आप सारे गामा पाधा नी सा बजा, बोले या ना बोले आप प्रैक्टिस इस चीज़ को करें। अगर आपका प्रैक्टिस ये हो जाता है आप आसानी से हर रीड का ज्ञान आपके दिमाग में घुस जाएगा, आराम से बजाएगा। जैसे मैं बताता हूँ दोस्तों, पहले तो यहाँ से मैं सारे गामा बजाता, सारे गामा पाधा नी सा हो गया। अब यहाँ से सारे गामा बजाते हैं, ट्रिक वही रहेगा, गा माँ के बीच कहीं आए गा माँ के बीच हमको स्पेस नहीं देना, दोनों को साथ ही साथ दबा देना, यहाँ भी साथ है। अब यहाँ से बजाते दो, सारे ये छोड़ दिया ना, सारे गा ये छोड़ दिया ना, गा फिर ये छोड़ देना, ये नहीं गा और माँ के बीच गा माँ, फिर ये छोड़ देना पा धा नी सा। देखा ना दोस्त, नी और सा के बीच हमने गैप नहीं दिया, और जो माँ या जो गा माँ के बाद गा के बाद जो माँ आया था यहाँ मैंने गैप नहीं दिया। और ये देखे दोस्त, ये आप यहाँ से शुरुआत करेंगे ना इस बीच से, तो इस बीच में जाके आपका सा खत्म होगा, इस बीच में खत्म होगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ जाके खत्म होगा, यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ जाके खत्म होगा। अब यहाँ से बजाते हैं सरगम सा। देखिए यहाँ से शुरू किए थे तो स्केल क्या था हमारा, अपना आवाज है सा रे गा। अब यहाँ से सा रे गा मा, अंतर हो रहा है ना, यही अनुभव आपको हारमोनियम बजाने में सपोर्ट करेगा। अब यहाँ से है सरगम बजाना, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा है ना दोस्त। ट्रिक बस वही है हमारा, गा और माँ के बीच गैप नहीं देना है, और नी और सा के बीच गैप नहीं, बाकी कहीं से भी हम निकाले। अब निकालते हैं यहाँ से सारे गैप दिया ना, सारे गा गैप दिया ना, अब नहीं देना गा माँ, अब ये गा और माँ के बीच गैप नहीं देना, सारे गा माँ लेकिन शुद्ध धा के नी नी सा गामा गामा और नी सा के साथ गैप नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट दोनों एक साथ बजेगा,
अब बाकी रीढ़ के बीच में सा से रा दबा रहे हैं तो एक गैप दे देना है, माँ से पा आगे जा रहे हैं तो ये गैप दे देना है, माँ के माँ गा के बीच नहीं, गा माँ माँ गा, जब आप इधर से जा रहे हैं तो सा रे गा मा, तो गा माँ के बीच नहीं गए, और आने के बाद भी वही ध्यान देना है, नी और सा, सा और नी दोनों जब एक साथ आए तो नहीं देना, जैसे आते टाइम हम आ रहे हैं सानी धा सानी, गैप नहीं दिया ना, सानी धा पा मागा मागा, एक साथ आ गया ना रे सा मा गा के बीच हमें गैप नहीं देना है, बाकी सबके साथ हमें गैप देना। अब दोस्तों यहाँ तक बजा लिया, यहाँ से बजाते हैं सारे गम सा सारे देखते हैं तो कैसा स्वर के कहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से निकाले तो हमारा सा रे है ना, अब यहाँ से निकाल सा रे, हमारा स्केल चेंज हो रहा है ना, स्वर फ्रीक्वेंसी अप हो रहा है, यहाँ से कुछ और था यहाँ से कुछ और था, ये नॉलेज जो आपको हारमोनियम बजाने में 100% सपोर्ट करेगा, ये नॉलेज आप हर हर रीड से आप सारे गामा पाधा नहीं से बजाइए, हर रीड से बजाना, अगर नहीं बजाइएगा तो आप गाना नहीं निकाल पाइएगा, ये आपको करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस आपका है सा। अब यहाँ से देखिए हमारा स्वर कैसे हो रहा, सा रे गामा सारे गामा पादा नीसा सानी धामा, देख रहे दोस्त कहाँ आवाज यहाँ से चल रहा था बिल्कुल आसान है, अब यहाँ जाते जाते कहाँ आजकल हमारा चेंज हो रहा है, हाई हो रहा है, अब यहाँ से बजाते हैं जी, यहाँ से कैसे था सा रे गामा, अब यहाँ सा रे गामा पादा नीसा सानी दापम मगरीसा, अब यहाँ से चल दे सारे गामा पादा नीसा सानी दापमा रेसा, अब यहाँ चल देना कहाँ आवाज जा रहा है यहाँ तक, मतलब खींचा नहीं रहा है ना, ये स्केल अपना हमारा यही होता है, यहाँ हम नहीं जा सकते भाई, ये स्केल बहुत हाई हो जाता है, ये इसी रेंज में रहता है सब है ना, लेकिन देख रहे हैं ना आपको इतना पता चल रहा होगा कि कहाँ स्केल कैसे कैसे हाई हो रहा है, अब यहाँ से बजाते हैं सा से बजाते हैं दोस्त एक बार, यहाँ हो गया ना, अब यहाँ से बजाते हैं सारे गामा पादा नीसा सानी द,
तो यहाँ तक दोस्तों आ गए ना। तो आपने ये, आपको तो ये अनुभव हो गया होगा कि कैसे स्वर यहाँ पे हमारा चेंज, यहाँ से बजा रहे थे सारे गामा, यहाँ से अलग था, इस हर स्केल से आपको सारे गामा, ये सारे गामा हर रीड से बजाना, यहाँ से भी बजाना, यहाँ से भी। ये प्रैक्टिस आपको बार बार करनी है, प्रैक्टिस आपको जो है पक्का हारमोनियम बजाने के लिए सिखा देगा, है ना दोस्त। मैंने भी यही किया, तभी मैं इसके साथ गा भी लेता हूँ, बजा भी लेता हूँ, एक साथ दोनों हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि एक साथ कैसे गा भी लेता है, बजा भी लेता है। कई बंदों को आप देखे होंगे कि एक साथ जो है, एक अगर बजाता है तो गा नहीं पाता है, मुंह बंद हो जाता है, अगर मुंह खुला गाने के लिए तो हारमोनियम बंद हो जाता है। मैं बताऊंगा कि दोनों कैसे मतलब एक साथ कर पाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त, आप एक बार प्रैक्टिस करें, इससे कितना आपको फ़ायदा हुआ, सहूलियत मिला हारमोनियम बजाने में, फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।